सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज का वीडियो पुरुषों मेल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे कई सारे कमेंट्स भी मिले थे। यह वीडियो है प्री मेच्योर इजेकुलेशन, जिसे हिंदी में हम शीघ्र पतन कहते हैं, इसको ठीक करने की दवा के बारे में, और उस दवा का नाम है डेपोक्सिटिन टेबलेट। जी हाँ दोस्तों, जो डेपोक्सिटिन टेबलेट है प्रीमैच्योर इजेकुलेशन को ठीक करने की दवा है, इसका ट्रीटमेंट इसके द्वारा किया जा सकता है। इस वीडियो में हम इसी टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे, जैसे कि किस नाम से मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाती है, क्या क्या अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और कौन सी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा चलन में है, कितने रुपये में आपको मिल जाएगी, किन किन व्यक्तियों को नहीं दी जा सकती, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, और इस पार्ट को आप ज़रूर से ध्यान से देखें, यूजर्स को पूरे विस्तार से क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, और वीडियो क्लास में हम जानेंगे इसकी डोज के बारे में, कितनी मात्रा में और कैसे ली जानी चाहिए जिससे कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिले। ये सभी बातें इस वीडियो में जानेंगे, इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे पूरी जानकारी आपको डेपोक्सिटिन टेबलेट के बारे में मिल सके। साथ ही वीडियो को अभी से लाइक करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। डेपोक्सिटिन दवा SSRI सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर क्लास की दवा है, जिसे एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप में रखा गया है। यह वे दवाइयां हैं जो मानसिक रोगों को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। डेपोक्सिटिन जो टेबलेट है, यह सेरोटोनिन के एक्शन को बढ़ाकर अपना कार्य करती है। डेपोक्सिटिन टेबलेट 18 वर्ष की उम्र के पुरुष को लगाकर 64 वर्ष की उम्र के पुरुषों के लिए बनाई गई है, उन सभी को दी जा सकती है। साथ ही यह दवा OTC प्रोडक्ट, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट के रूप में भी बिकती है, जिसके लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होती। डेपोक्सिटिन टेबलेट को जब आप मेडिकल स्टोर पर खरीदते हैं तो ये अपने जेनरिक नाम डेपोक्सिटिन से नहीं मिलती, अपने कुछ ब्रांड नेम से मिलती है। अगर कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करते हैं तो सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम में ड्यूरा लास्ट टेबलेट, प्रिलिजी टेबलेट, डेपोक्सिन टेबलेट, डिपोटाइम टेबलेट, ये कुछ प्रमुख है और हो सकता है इनके अलावा भी किसी अन्य नाम से आपके एरिया में मिल जाए, क्योंकि इस दवा का जेनरिक नाम रहता है एरिया और डॉक्टर के अकॉर्डिंग अलग अलग रहता है। अब बात करते हैं किन किन अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, तो ये मुख्यतः तीन स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जिसमें 30 मिलीग्राम, 60 मिलीग्राम तथा 90 मिलीग्राम अलग अलग स्ट्रेंथ है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो चलन की स्ट्रेंथ है वो 60 मिलीग्राम की है, बहुत ज़्यादा ये बिकती है। प्राइस की अगर बात करें कितने रुपए में मिल जाती है, तो जैसा आप सभी को पता है जो दवा की प्राइस रहती है, दवा की स्ट्रेंथ और जो ब्रांड नेम है इनके अकॉर्डिंग अलग अलग रहती है। यहाँ पे हम जो ज़्यादा चलन में टेबलेट है उसके बारे में तथा जो एवरेज प्राइस है उसके बारे में जान लेते हैं। 30 मिलीग्राम की टेबलेट की अगर एवरेज प्राइस की बात करें तो ये 30 रुपये से लगाकर 40 रुपये की MRP में आपको मिल जाती है, जो कि एक टेबलेट की रेट है, और ये 4 टेबलेट की स्ट्रिप में आपको मिलती है। और 60 मिलीग्राम की टेबलेट 50 रुपये से लगाकर 60 रुपये की MRP में आपको प्रति टेबलेट मिल जाती है, और ये भी 4 टेबलेट की स्ट्रिप पैकिंग आती है। दोस्तों वीडियो में आगे बात करें किन किन व्यक्तियों को ये दवा नहीं दी जा सकती, किन में कॉन्ट्राइंडिकेट है, तो दोस्तों इस पार्ट को फार्मासिस्ट जो दवाइयाँ मेडिकल स्टोर पे बांटते हैं वो विशेष तौर से ध्यान से सुने। साथ ही आप अगर खुद खरीद कर लेना चाह रहे हैं तो भी आपको ध्यान से सुने, क्योंकि यह जो कंडीशन बता रहा हूँ इसमें अगर आप ओवर द काउंटर दवा ले लेते हैं तो आपको कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले वह व्यक्ति जिसको हिपेटिक इम्पेयरमेंट, मतलब लीवर से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है, वो मॉडरेट टू सीवियर स्थिति में हो। इसके अलावा कोई पेशेंट जिसको हार्ट रिलेटेड समस्या हो, जिसमें हार्ट फेल्यूर हो सकता है, परमानेंट पेसमेकर किसी व्यक्ति को लगा है, या किसी भी प्रकार की हार्ट से जुड़ी हुई समस्या हो, या कोई व्यक्ति है जिसको एपिलेप्सी मिर्गी की समस्या है, तो इन सभी पेशेंट को दवा नहीं दी जाती। साथ ही में कुछ दवाइयाँ हैं अगर आप वो ले रहे हैं तो उनमें भी नहीं दी जाएगी, जैसे कीटोकोनाजोल जो एंटीफंगल मेडिसिन है, अगर ले रहे हैं तो आपको ये दवा नहीं लेनी होती है। रेट्रोवीर टेबलेट और टेलीथ्रोमाइसिन टेबलेट, ये अगर लेते हैं तब भी आपको दवा नहीं दी जाएगी। और कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो अगर आप ले रहे हो तो अपने डॉक्टर को पूछकर ही इस दवा का सेवन करें, ओवर द काउंटर इसका सेवन नहीं करें, जिसमें मुख्य है एंटीसाइकोटिक ड्रग, जिसमें फ्लुओक्सेटिन, पैरोक्सेटिन, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन जैसे एमीटिप्टिलिन, ये सभी दवाइयाँ हैं। और दोस्तों इनके अलावा भी किसी भी प्रकार की अगर आपको बीमारी है या कोई मेडिसिन चल रही है तो अपने डॉक्टर को जोर से सूचित करें, बिना डॉक्टर की सलाह यह टेबलेट आप नहीं लें, आपको समस्या कर सकती है। साथ ही दोस्तों जो MAO इनहिबिटर दवाइयाँ होती है, जो SSRI दवाइयाँ हैं, अगर किसी पेशेंट को चल रही है एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ चल रही है और उस पेशेंट को दवा देनी होती है, तो उस दवा को बंद करने के
14 दिन के बाद में डेपोक्सिटिन टेबलेट दी जाती है, और जब वापस इसको शुरू करना हो तो डेपोक्सिटिन टेबलेट जब आपने लेना बंद किया है उसके 7 दिन के बाद इन दवाओं को शुरू किया जाता है। तो इस तरह का जो साइकिल है ध्यान में रखना होता है। तो सिर्फ डॉक्टर की सलाह पे आप उस समय प्रयोग में ले, बाकी ओटीसी प्रोटीन में आप प्रयोग ले सकते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके यूजर्स के बारे में पूरे विस्तार से, क्या इसका यूज होता है। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में जान ही लिया था, प्रीमेच्योर इजेकुलेशन जिसे हम हिंदी में शीघ्र पतन कहते हैं, इसको ठीक करने के लिए डेपोक्सिटिन टेबलेट प्रयोग में लाई जाती है। हालांकि प्रीमेच्योर इजेकुलेशन जो शीघ्र पतन है काफ़ी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर सामान्य भाषा में हम समझें तो ये वह स्थिति है जब मेल पुरुष अपने फीमेल पार्टनर के साथ, महिला साथी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उस समय समय से पूर्व डिस्चार्ज स्खलित हो जाते हैं, जिससे कि उनकी जो फीमेल पार्टनर होती है वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाती। साथ ही कई बार ये इनफर्टिलिटी का कारण भी बनता है, बांझपन भी इससे रह सकती है। और इस जो टाइम है इसको हम अब मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इंट्रावेजाइनल इजेकुलेशन लेटेंसी टाइम कहते हैं। और यह जो टाइम है उम्र के हिसाब से धीरे धीरे कम होता रहता है। जो 18 वर्ष से लगाकर 64 वर्ष की उम्र में, 18 वर्ष वाले के ज़्यादा हो सकता है, 30 वर्ष का कम, 50 का कम और 64 का और कम। और जब भी आप इस टेबलेट को मेडिकल स्टोर से आप खरीदते हैं तो अपनी उम्र के अकॉर्डिंग इसकी स्ट्रेंथ का यूज़ लें जो आपको फार्मासिस्ट दे देंगे। दोस्तों डेपोक्सिटिन टेबलेट के अलावा भी कुछ SSRI क्लास की दवाइयाँ हैं, जैसे फ्लोक्सटिन, पेरोक्सटिन, सर्टालिन, ये भी ऑफ लेबल यूज के रूप में प्रीमैच्योर इजेकुलेशन को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। लेकिन यह जो दवाइयां हैं सिर्फ डॉक्टर की सलाह पे ही लेनी चाहिए, और इसको जो लेने का तरीका है डेपोक्सिटिन से बिल्कुल ही अलग है। तो इन दवाओं का प्रयोग भी प्रीमेच्योर इजेकुलेशन के किया जा सकता है। और साथ ही दोस्तों इन दवाओं के बारे में सेपरेट ही अलग अलग वीडियो बनाए हैं, यदि आप में से कोई देखना चाहता है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकता है। साथ ही डिस्क्रिप्शन में इनका सेपरेट लिंक दिया है, वहाँ पर भी क्लिक करके आप इनके बारे में जान सकते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा, प्रीमेच्योर इजेकुलेशन के साथ में कई बार व्यक्ति को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की भी समस्या होती है। ये दोनों कंबाइन जब हो जाती है व्यक्ति बहुत ही हताश हो जाता है। इस समय क्या दवा दी जानी चाहिए, क्या इसका ट्रीटमेंट रहता है, अगर उसको आप जानना चाहते हैं, अगर मुझे कमेंट करेंगे तो इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, कौन सी जो दवा है इन दोनों को ठीक करने के लिए साथ में प्रयोग ली जा सकती है। दोस्तों वीडियो के आगे के पार्ट में अब जान लेते हैं डेपोक्सिटिन जो टेबलेट है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं जो सामान्यतः देखे गए। सामान्यतः साइड इफेक्ट में नोजिया जिसे हम मतली कहते हैं, उल्टी जैसा लगना हो सकता है, डिजीनेस, सिर चकराना, चक्कर सा आना ये हो सकता है, सिर दर्द होना, किसी किसी व्यक्ति में नींद नहीं आना, डायहोरिया होना, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होना, ये समस्या देखी गई है। यदि ये समस्या आपको हो तो इसे बिल्कुल नहीं घबराएं। ये जो समस्याएं हैं टेबलेट का जो असर है जब धीरे धीरे खत्म होगा उसके बाद में अपने आप ही ठीक हो जाएगी। और यदि ये समस्या रेगुलर आपको रह रही हो, ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही हो, तो अपने डॉक्टर से मिल लीजिए, जैसे कि इन समस्याओं के लिए कोई ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। और फ्यूचर में जब भी आप इस टेबलेट का प्रयोग लें तो उसके साथ कुछ एडिशनल टेबलेट जरूर से ले लें। अब वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं दोस्तों इसकी डोज के बारे में, कितनी मात्रा में ये दवा ली जानी चाहिए और किस तरह से ली जानी चाहिए। जैसा कि ये जो टेबलेट है अलग अलग स्ट्रेंथ की अवेलेबल है, तो अलग अलग स्ट्रेंथ अलग अलग पेशेंट को दी जाती है। और इस दवा का जो प्रयोग है 18 वर्ष की उम्र से लगाकर 64 वर्ष की उम्र के व्यक्ति के लिए ही है। इससे छोटी उम्र के जो बच्चे हैं, जो टीन एज के लड़के हैं, उन्हें ये नहीं दी जानी चाहिए। और जब इस टेबलेट को आप ले रहे हो तो एक विशेष बात ध्यान में रखें कि जो हमने कॉन्ट्राइंडिकेशन में बीमारियों की बात की है, जिन दवाओं की बात की है, अगर वो आपको चल रही है तो इसे आप ओवर द काउंटर डायरेक्ट फार्मेसी से नहीं लें, सिर्फ अपनी डॉक्टर की सलाह पे ही इसको लें। बात करते हैं इस टेबलेट को किस तरह से लेना चाहिए, कैसे ऐसे का सेवन करना चाहिए। तो इसका सेवन करने के लिए जब भी आप शारीरिक संबंध बनाने की प्लानिंग कर रहे हो तो उसके कम से कम 1 घंटे के पहले और ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे के पहले इसका सेवन करना होता है, क्योंकि यह जो दवा है अपना असर 60 मिनट से लगाकर 80 मिनट में बताती है, और जो इसका बेस्ट रिजल्ट है आपको 3 घंटे के मध्य में मिलता है। तो इसका प्रयोग 1 घंटे से लगाकर 3 घंटे के मध्य लेना चाहिए, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिल सके। और इसकी जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में ली जाने वाली स्ट्रेंथ है वो 60 मिलीग्राम है। डेपोक्सिटिन 60 मिलीग्राम टेबलेट बहुत ही ज़्यादा चलन में है। यहाँ पे एक सवाल आता है, क्या प्रीमेच्योर इजेकुलेशन जिसे हम शीघ्र पतन कहते हैं इसको परमानेंटली ठीक किया जा सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ दोस्तों, इसको परमानेंटली ठीक किया जा सकता है। इसके लिए भी जो डेपोक्सिटिन टेबलेट है इसको दिया जाता है और रेगुलर बेस पे इसको लेने पर यह ठीक हो जाता है। परंतु जब इसको परमानेंट इलाज के लिए दिया जाता है तो उस समय इसके साथ कई सारी सपोर्टिव मेडिसिन भी दी जाती है। तो यह जो इलाज है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पे ही हो सकता है। आप डायरेक्ट फार्मेसी से लेकर इसका परमानेंट इलाज नहीं कर सकते। इसका जो शॉर्ट टर्म लिमिटेड टाइम के लिए जो इलाज है
वो आप ओवर द काउंटर लेके कर सकते हैं। और यदि आपने इस टेबलेट को लिया है और टेबलेट लेने के थोड़ी देर के बाद में आपको सिर दर्द होने लग गया हो, सिर चकराने लग गया हो, तो इसे नहीं घबराएं, ये धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर सिर दर्द को रोकने के लिए आप किसी भी प्रकार की पेन किलर टेबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने डेपॉक्सेटिन टेबलेट के बारे में बताई है, जो कि प्री मेच्योर इजिकुलेशन शीघ्र पतन को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है और ये एक ओटीसी प्रोडक्ट है। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको इस टेबलेट के बारे में मिली होगी और सभी डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे और वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया जरूर से इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर जरूर से सब्सक्राइब कर दें। जो पास में बेल आइकन है इसे जरूर दबाएं, जो आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरे सभी वीडियो आप मुफ्त में देख सकें। आप थे अपने दोस्त मोहित दादी साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।